पीएम मोदी आज एक दिन के कच्छ दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी कच्छ के धोर्डो में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा 30,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी शामिल है। पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद रहेंगे। कच्छ के सीमावर्ती इलाके में सोलर और विंड एनर्जी का दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क बनेगा। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी कच्छ के मांडवी में 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले डीसेलिनेशन प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। इस प्लांट से गंदे पानी को साफ करने में भी मदद मिलेगी, जिसके आसपास के कई जिलों में सप्लाई होगी। पीएम अपने दौरे पर गुजरात के कच्छ में बसे पंजाबी किसानों से बातचीत कर सकते हैं। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान की सीमा लगती है और सीमा के पास 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद से ही बड़ी संख्या में पंजाबी किसान रहते हैं। माना जा रहा है कि इन किसानों से पीएम कृषि सुधार बिलों पर बात कर सकते हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर पंजाब और हरियाणा के कई किसान परिवार यहां पर आकर बसे थे। बंगाल के बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में पार्टी के लोग सड़कों पर उतर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी में तनातनी जारी है, जो एक दिन पहले बर्धमान में हुई घटना के बाद बढ़ गई और बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाया, अपना गुस्सा दिखाने के लिए रोड ब्लॉक कर दिया। बर्धमान में यह विरोध बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी की अगुवाई में हुआ, जो कार्यकर्ताओं के साथ ताली बजाकर विरोध करते दिखे। इस बीच वहां पुलिस भी पहुंच गई, जिसकी मौजूदगी में ही इन लोगों ने पुलिस और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यही नहीं, उन्होंने पूरे जोश के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। इससे पहले राजू बनर्जी उस पार्टी कार्यकर्ता के परिवार वालों से भी मिले, जिसकी मौत पर उन्होंने प्रदर्शन किया। बंगाल में पिछले कुछ महीनों में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जिसका आरोप उसने टीएमसी पर लगाया है। बर्धमान की घटना के बाद पार्टी नेताओं ने एक बार फिर टीएमसी को उसी अंदाज में घेरा। अराजकता, उद्दंडता, खून खराबा, ये कल्चर बना दिया है तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने। बीजेपी ने भले ही इस मुद्दे पर हमले जारी रखे, लेकिन टीएमसी एक दिन पहले ही साफ कर चुकी है कि उसका इस मामले से लेना देना नहीं है, जबकि बीजेपी ने राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर हंगामा जारी रखा। गुजरात के महेसाणा में घोटाले के आरोप में घिरे पूर्व गृह राज्य मंत्री विपुल चौधरी के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोगों ने हंगामा किया। विपुल चौधरी पर महेसाणा की दूधसागर डेयरी का चेयरमैन रहते हुए 22 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अगले ही दिन उनके समर्थन में प्रदर्शन होने लगा। महेसाणा में दूध के कारोबार से जुड़े किसान डेयरी के बाहर इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे, लेकिन उन्होंने पुलिस से इसकी इजाजत नहीं ली थी, लिहाजा पुलिस ने उन्हें वहां से हटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन लोगों ने बवाल कर दिया और पुलिस से भिड़ गए। पुलिस वालों ने जब भी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की, ये लोग उनसे उलझ गए। कई बार तो ऐसा भी लगा कि वो पुलिस से मारपीट करने लगेंगे। प्रदर्शन करने वालों का ऐसा रवैया देखकर पुलिस भी सख्त हो गई और जैसे को तैसे के अंदाज में उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करने लगी। दूध सागर डेयरी में जनवरी में चुनाव होने वाले हैं, जिससे कुछ महीने पहले ही उसके पूर्व चेयरमैन विपुल चौधरी गिरफ्तार हो गए।